मंदिर जाएंगे, यहाँ से अपने पुराने गांव जाएंगे, उसके बाद नौसेना देवी का मंदिर जो हमारे यहाँ का है फेमस, वहाँ जाएंगे और सब तैयार हो चुके हैं। देखो ये लो, पूरी तैयारी हो चुकी है सबकी, तो अभी मम्मी भी आ रही है ऊपर और फिर निकलते हैं यहाँ से सब अपने पुराने गांव अमडंड के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे नौसेना देवी मंदिर, फिर वहाँ से तब घर आएंगे हम लोग। तो दोनों गाड़ी रेडी हो गई हैं जाने के लिए, अब देखते हैं कितने बजे तक वापस आएंगे, फिर अपना प्रोग्राम निपटा के। चलो बैठो, मम्मी भी तैयार होके आ गई हैं और अब सीधा जाएंगे पहले यहाँ से अमडंड, बीच में नदी क्रॉस करके थोड़ा वहाँ नदी में पानी मारेंगे गाड़ी में थोड़ा सा, उसके बाद निकलेंगे सीधा ऊपर। वो उधर जो ऊपर ऊपर की तरफ वहाँ पहाड़ है ना, वहाँ जा रहे हैं अभी हम चोटी की तरफ, वहाँ हमारा पुराना गाँव है, वहाँ मत्था टेकेंगे उसके बाद फिर चलेंगे वहाँ पर। ठीक है, और डुग्गू जल्दी बैठो यार, डुग्गू लेट कर रहा है, डुग्गू जल्दी बैठ। चलो कहाँ जा रहे हैं फिर अभी हम, पता नहीं मंदिर। चलो चलो भाई बैठ, चलो भाई सब फिर माता का जयकारा लगा के शुरू करते हैं यात्रा। जय माता की। अरे यार ये तो चढ़ाई है बहुत। ये है दोस्तों, यहां से निकलते हैं पुल के नीचे से। देखिए दोस्तों यहाँ कौन कौन बैठा गाड़ी में, हम चार बंदे हैं, यीशु तो चली गई वहां पर सोनू के साथ, और ये बैठा आयुष, और ये ऋषि, और ये बैठी संजीव। तो आप पहुंचते हैं सब, और आज मजा आने वाला है पूरा। चलो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर लगाएंगे गाड़ी, पानी वानी भरते हैं यहाँ से ठंडा छविया से अपनी, पानी का जो सोता है अपना यहाँ लगाइए गाड़ी सोम पानी के लिए, अच्छा वहाँ से नदी में ठंडा डाल। पानी की बोतल्स हैं हमारे पास कुछ, यहाँ से दोस्तों भरते हैं पानी और फिर बढ़ेंगे। तो यहाँ से थोड़ा एक थोड़ा रास्ता जो है थोड़ा खतरनाक सा है, इसको निकलते हैं मेन रोड तक पहुंच जाए बस किसी तरीके से, फिर तो ठीक होना चाहिए आई थिंक रास्ता। रास्ता इधर बहुत ही खराब हो चुका है, खराब हो चुका है नहीं, खराब ही रास्ता है। हाँ ये एक्चुअली टेम्परेरी होता है, हर साल खराब ही हो जाता है। बहुत लगी गाड़ी दोस्तों अपने नीचे है ना, उस टाइम वहां पर एक बड़े बड़े पत्थर थे, दिख नहीं रहते पानी के अंदर, तो वहाँ गाड़ी लग चुकी है हमारी। अब आ गए हम मेन रोड पे, तो वैसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जंगल का हरा भरा रास्ता दोस्तों, मजा आ रहा ड्राइविंग में, और अभी थोड़ी दूर और है फिर उसके बाद दोबारा से ऑफ रोडिंग, ये रोड ज़्यादा देर नहीं है, अच्छा ही रास्ता मिलेगा आगे। सारा रास्ता बहुत ख़राब है आगे, तो
वो जो ऊपर वाला गांव है हमारा, वहाँ जाने के लिए तो बिल्कुल। और वनवासा रिजॉर्ट भी आता है वहीं पे, उसी के पास में गांव के, तो वो भी दिखा दूंगा। यहाँ से अब हमने लेफ्ट जाना, राइट वाला रास्ता जो है ऊपर सीधा हाईवे जो हमारा जाता है धुमाकोट नैनी टांडा के लिए, और वो रास्ता आगे बीरोखाल वाले रोड पर मिल जाता है रामनगर वाले रोड में। तो यहाँ से फिर वही टूटा फूटा रोड, और आगे तो और भी ज़्यादा टूटा फूटा रोड होगा ये भयंकर। अब ये आ गया जी दोस्तों देवड़ का पुल। ये नदी वही है जो हमारे गांव से आ रही है इसके नीचे, तो यहाँ इस नदी को क्रॉस फिर से करेंगे। चलो दोस्तों यहाँ पर तो अलग ही टाइप का देखो पहाड़ आ गए हैं पूरे एकदम खड़े पहाड़, और आगे आग भी काफी लगी हुई है, धुआं बहुत है आगे। यहाँ कितना आग लगी हुई है यार, जंगल में अभी भी पूरा स्मोक ही स्मोक है पूरा। आगे पूरा धुआं ही धुआं है, देखिए कितना ज्यादा आग लगी हुई है आगे, अभी तक आग बुझी नहीं रही है यहाँ पर जंगलों में, कब से लगी हुई है। बारिश भी नहीं पड़ रही, इस बार बारिश भी कम है ना तो आग बुझी जाती। आगे तो कुछ ज्यादा ही है। तो दोस्तों अब ये इस वाले रोड को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, और वनवासा रिजोर्ट देखे सामने बोर्ड लगा है, और इस रोड पे हमें जाना पड़ेगा अब यहाँ से कच्ची रोड पे। और ये रोड वनवासा रिजोर्ट की वाली जो है, यहाँ से 3.5 किलोमीटर वनवासा रिजोर्ट ये जो लगा सामने बोर्ड, और इससे जाएंगे हम आगे, और गांव हमारा जो है उससे फिर 3-4 2-3 किलोमीटर ऐसे आगे होगा वहाँ पर, लेकिन रोड जहाँ तक बनी होगी वहीं तक गाड़ी ले जाएंगे, फिर गाड़ी खड़ी कर देंगे उसके बाद जाएंगे वहाँ से पैदल। ये रोड तो कच्ची है पूरी, ये रोड थोड़ी पतली भी है, तो ऐसी टेम्परेरी रोड है ये, पर जो है अभी रोड का काम चल रहा है, तो अभी जेसीबी लगी हुई है आगे, ये देखिए तो अभी रोड ब्लॉक कर रखी है यहाँ से, फिर अभी निकलेंगे हम, थोड़ा सा पीछे करते हैं गाड़ी को दोस्तों। चलो अभी यहाँ से हम चलते हैं अपने चित्तौड़ देवता के पास, और यहाँ से हमारा व्यू गांव का। दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पर, ऊपर भी हमारे एक देवता है वहाँ पूजा करके आते हैं, क्योंकि हम शादी के बाद पहली बार ही आए हैं यहाँ पर विद फैमिली, तो यहाँ आना पड़ता है शादी के बाद, तो हम अभी तक टाइम लग नहीं पाया था सबके साथ, मैं तो हालांकि आ चुका था, तो अभी आज सारे आए हैं, छोटा भाई आया, उसकी फैमिली भी आई है, मेरी फैमिली भी आई है, तो अपने जितने भी यहाँ पुराने देवी देवता हैं सबके मत्था टेक के, और फिर आगे यहाँ से निकलेंगे हम दूसरी जगह के लिए। तो ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है, उधर देखिए नीचे, हाँ अभी हमारा घर उधर है नीचे, वो देखिए हमारा घर भी यहाँ से दिख जाता है, वो यहाँ पे येल्लो कलर का एक घर है, वो ब्रिज है पूरा, तो ये सारा एरिया यहाँ से, यहाँ तो फिर भी ठंडक है काफ़ी, ये देखिए। चलो जल्दी से चलते हैं, फिर अभी काफ़ी और जगह भी जाना है, ये तो जा चुके ऑलरेडी। Yeah.
हमारे चित्तौड़ देवता हैं और देखिए क्या लोकेशन है यहाँ पर, वहाँ नीचे हमारा घर। दोस्तों वहाँ पर चित्तौड़ देवता पे मत्था टेक के हम जा रहे हैं आगे अपने दूसरे देवता के पास, और यहाँ पर ये आम का पेड़ है और इसकी ठंडी छांव मस्त लग रही है यहाँ पर एकदम। उधर से आ गए हम, अब इधर ये सारी वैली है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर कैसे कैसे टाइप के कैक्टस लगे हुए भाई। चलो दोस्तों यहाँ पहुँचते हैं सत बाबा के पास। चलो जल्दी जल्दी चलो, अभी बहुत जगह जाना है, इतने सालों के बाद आए हैं तो अब सब जगह मत्था टेक के ही जाएंगे, और अभी चलते हैं गांव की तरफ। ये देखिए दोस्तों ये पेड़ जो है आग में झुलस गया है, और ये पेड़ कितना ही विशाल है, ये देखिए पूरा जल चुका है, इसकी स्किन पूरी बाहर आ रही है। ये देखिए और इधर सब केले के पेड़। ये है जी दोस्तों यहाँ से पूरे गांव का व्यू, इतने ही मकान है इस गांव में टोटल, देखिए आप 4 या 5 मकान। ये हमारा मकान इसके पीछे है, यहाँ पर इसके पीछे वाला। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहुँच गए अपने पुराने घर पे, और यहाँ पर अभी थोड़ा पूजा करेंगे थोड़ी सी घर में। और ये डुगू क्या बोल रहा है यहाँ पीछे? हाँ पुरानी पूजा हुई थी, आप आए थे यहाँ पे। और ये देखिए अभी इस घर की हालत ऐसी है, बहुत पुराना हो चुका है लेकिन अभी काफ़ी टूट फूट गया है, इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे पुराना घर जो हमारा यही है, ये देखिए आधा टूट फूट गया है ये सारा का सारा। अंदर इसमें कमरे देखो, यही हमारे पापा जी के जो है बचपन गुजरा इधर ही, यहाँ से सी सीढ़ियाँ थी पहले इसकी, देखिए उधर से एक गेट यहाँ से भी है इसका ऊपर ये। तो यहाँ सब मकानों की हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ से अभी अंदर जाएंगे हम, अंदर तो कुछ है नहीं वैसे, हमारा जो इष्ट देव है वो रहते हैं यहाँ पे। चलो फिर अभी गांव में चलते हैं आगे। सब आ गए हैं ऊपर से मत्था टेक के, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मंदिर की तरफ को। तो चलो मंदिर चलते हैं यहाँ सब। अब यहाँ पे सब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे हम दूसरा जो हमारा मंदिर है वहाँ पर। ये तो हमारा था अपना जो पुश्तैनी घर है,
यहाँ और अब चलेंगे मंदिर। तो सामने है वनवासला रिजोर्ट, फेमस रिजोर्ट और काफी अच्छा है। इसकी कॉटेजेस दिख रही होंगी सामने आपको, वो देखिए सामने जो है ये पूरा वनवासला रिजोर्ट है, गांव से हमारे बिल्कुल पास में लगा हुआ ये रास्ता यहाँ से जाने का वनवासला रिजोर्ट का। तो दोस्तों अभी हम लोग नौशेणा देवी का जो मंदिर है वहाँ पहुँचने वाले हैं और फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि कितना विशाल मंदिर है, कैसे बना हुआ, कितनी हाइट पे है। थोड़ा सा ट्रैक भी है उस पर और अभी हम लोग जस्ट पहुँचने वाले हैं, 1 किलोमीटर रह गया। और यहाँ के पहाड़ तो बिल्कुल अलग ही टाइप के हैं, ये देखिए दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नौशेणा देवी के मंदिर में। जय माता दी, कई दिन से सोच रहे थे, फाइनली आज पहुंच गए यहाँ पे। तो दोस्तों वहां से मंदिर से चढ़ के हम ऊपर आ चुके हैं मंदिर परिसर में और ये पूरी स्टेयर्स, और अब चलते हैं मंदिर में माता के दर्शन करने। और ये एरिया जो है हवन का है, हवन कुंड यहाँ लगा हुआ है। जय माँ भगवान। ये है जी पूरा यहाँ से मंदिर से परिसर से जो व्यू है, ये है माँ दरबार से व्यू, माँ नौशेणा देवी के दरबार का व्यू देखिए आप यहाँ से। ये पूरा पानी शेण गांव है, इलाका है। और यहाँ पर जो बलि बकरे की दी जाती है वो एरिया ये है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बलि एरिया। और एक देख सकते हैं पिंजरे में कुछ रखा भी है, एक बलि जो है उसका सर। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत और आनंद आ रहा है। जय माता दी। चलो तो दोस्तों माता के दर्शन तो हो गए हैं बहुत अच्छे से मंदिर में, और अभी सब लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं। देखिए सब पेड़ के नीचे बढ़िया छाया में बैठे हुए हैं इधर। जय माता दी, 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 जय माता दी। और यहाँ से व्यू देखिए क्या बढ़िया व्यू है इधर से मंदिर परिसर से, रोड रह गई नीचे। और यहाँ से पूरा हम जो आए हैं वो इस तरफ से आए, काफ़ी दूर से आए हैं। एक मंदिर वहाँ है ऊपर, उधर देखिए ऊपर भी एक मंदिर है, और वो स्कूल है वहाँ नीचे जो है मंदिर के। तो दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं और अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ।
तो थोड़ा सा बीच में रुक के यहाँ पर चाय पानी पीते हैं अभी नीचे ढाबे में, और उसके बाद हम चलते हैं सीधा घर की तरफ। चलो जी दोस्तों, नीचे पहुँच गए रोड पर। चलो जी फटाफट पहुँचते हैं अब घर को, आज के सारे काम हो गए हैं।